हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई वन एस एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच वाइब्रेशन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको है ना, सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा टच वाइब्रेशन का। टच वाइब्रेशन इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका जो है ब्लू कलर में इस तरीके से ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी टच वाइब्रेशन सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाती है। ठीक है, अभी सेटिंग जो है ना, टच वाइब्रेशन इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने अपने मोबाइल फोन में कोई सा भी पेज ओपन कर रखा है, किसी भी ऐप का पेज ओपन कर रखा है। ठीक है, तो आप उस पेज में अगर किसी भी ऑप्शन को या किसी भी बटन को अगर आप टच करेंगे ना, तो आपका मोबाइल फोन जो है ना वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फोन में सेटिंग। ठीक है, अब मैं आपको जो है ना इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है ना, इसे आपको फिर से ओपन कर लेना है स्टार्टिंग से। ठीक है, सेटिंग पेज को यहां पर फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है टच वाइब्रेशन इस तरीके से। ठीक है ना, तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा टच वाइब्रेशन का इस तरीके से। तो यहां पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाता है तो इसे आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा और इसे हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।